प्रकाशाचा किंवा त्या बॉल येण्याच्या मुवमेंटचा सर्व अभ्यास करून या काही गोष्टी खेळल्या जातात. पण 40+ साठी ही सर्व गोष्ट नवीनच असते. तरीसुद्धा आम्ही हे आव्हान पेललं. यापुढेही नक्कीच आता टॉप 3 मध्ये आमचं मानस 100% SP चषक 40+ हे जिंकण्याचं असणार आहे. क्या बात आहे, नक्की शुभेच्छा असतील. टॉप 3 मध्ये संघ दाखल झालेला आहे आणि शुभेच्छा असतील मांगरूळ 40+ या संघाला टॉप 3 साठी. राष्ट्रपती सन्माननीय लालचंद्रजी पावसे साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेत आणि त्यांचा यथोचित सन्मान केला जाईल. शक्ती पाटील यांना विनंती करतो आपल्या शुभासनिकेचा शुभा सन्मान आपण करावा. प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये या ठिकाणी सन्मान या ठिकाणी केले जातील. सन्माननीय लालचंद्रजी पावसे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांना विनंती करतो आपण या आपला शुभा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. SP ग्रुप चषकाद्वारे खूप चांगली क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतो. नक्कीच नाईट रजनीमध्ये क्रिकेट स्पर्धा पाहायला मिळते सैन्य दादा पाटील यांच्या माध्यमातून, SP ग्रुपच्या माध्यमातून. SP ग्रुपचे आयोजन आपल्याला पाहायला मिळते आणि सन्मान देखील होत आहेत. त्याचबरोबर सन्माननीय श्याम भंडारी साहेबांचा देखील शुभ सन्मान केला जाईल या आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. आपला देखील विशेष सन्मान या ठिकाणी या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल. श्यामजी भंडारी साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांचा देखील आपण सन्मान शक्ती पाटील यांच्या शुभहस्ते करतो. आईची प्रेमाची उदार शाल, त्याचबरोबर आपण पाहिलं तर ही ब्युटिफुल अशी ट्रॉफी देऊन सन्मान चिन्ह देऊन हा सन्मान स्वीकारत असताना श्यामजी भंडारी साहेब देखील थँक्यू सो मच, त्यांचा देखील विशेष आभार आम्ही व्यक्त करतोय. सुनील पाटील साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि शंकर भोईर यांना विनंती करतो आपण देखील या सुनील पाटील साहेबांचा देखील शुभ सन्मान केला जाईल आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. शंकर भोईर यांच्या शुभहस्ते हा सन्मान आम्ही या ठिकाणी करणार आहोत आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. सुनील पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. सन्मान होत आहेत. रेग्युलर मॅच ला देखील सुरुवात जरूर झाली आहे, हरकत नाहीये. तिथे सामना देखील सुरू ठेवायचा आहे. शिरवली विपक्ष कुंभारले असा मॅच सुरू आहे आणि सन्मान देखील सुरू आहेत. त्याचबरोबर जयवंतजी पाटील साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित झालेत, त्यांना देखील विनंती करतो आपण देखील या आपला देखील विशेष सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल. साईनाथ पाटील फाउंडेशन आयोजित SP ग्रुप चषक आपण पाहतो मित्रांनो आणि सन्मान होत आहेत. शक्ती पाटील यांना पुन्हा एकदा विनंती करतो की आपल्या शुभासे आदिके शुभ सन्मान आपण कंप्लीट करावा. तर सन्मान या ठिकाणी नक्कीच समाप्त जरूर होत आहेत आणि वळतो आम्ही रेग्युलर क्रिकेट जिथे सुरू झालंय आणि पहिल्या सामन्याला सुरुवात होती. येत्यात कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पहिल्या सत्रासाठी आमचे मित्र रोशन संते ऑन मायक्रोफोन. थँक्यू सो मच. थँक्यू, थँक्यू सो मच. सोनू बांगर यांचा आवाज आपण ऐकला आणि खूप चांगला सामना जिंकला मांगरूळ 40+ या संघाने. क्या बात आहे, प्रचंड वेग, प्रचंड वेग आहे. गोलंदाज तेजसच्या गोलंदाजीमध्ये आलाय हा डॉट बॉल. आता मात्र रेग्युलरचे हे 10 संघ आपण पाहणार आहोत. काल सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला डावलपाडा संघाने. आकाश फुलोरे थोडेसे भावुक झाले होते जेव्हा त्याने सांगितलं की पहिली नाईट स्पर्धा आहे आणि नाईट स्पर्धा खेळण्याचं स्वप्न होतं आणि ते स्वप्न पूर्ण झालं. परंतु सर्वांना आश्चर्याचे धक्के दिले आणि टॉप 4 मध्ये संघ दाखल झाला. खराब क्षेत्ररक्षण झेल होता, झेलला ड्रॉप आणि बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर चौकार येतोय. थँक यू सो मच. प्रकाश झोतामध्ये क्षेत्ररक्षण करणं थोडंसं अवघड जातं.
हेलो क्या बात है प्रेक्षकांसाठी सुवर्ण संधी आहे आदरणीय शक्ती पाटील यांच्याकडून प्रेक्षकांसाठी आयवा जेल साठी 500 रुपयांचं पारितोषिक ऑन साइडला बिग हिट सीमा रेषेच्या बाहेर षटकार येतोय फलंदाज आतिश दाबणेच्या बॅट मधून थैंक यू सो मच यदि चेंडू वरती झेल सोडला होता शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट दुसरे चेंडू वरती किंमत मोजावी लागली शिरवली संघाला षटकार लगावलाय फलंदाज आतिश ने प्रचंड वेग आहे लाउड अपील करता है हाइट फैक्टर नक्कीच भरपूर आहे आणि लेग बाईच्या स्वरूपात मिळते एक धाव या चेंडू वरती धाव संख्या एक ने पुढे जाईल पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती आहे कुंभारली या संघाची बिनबाद 13 डीजे मास्टर गणेश अप्रतिम संगीत सादर करता है कारण की लहान मुल देखील भरपूर आहेत आणि लहान मुलांची फरमाइश असावी बघा जास्त वेळ घेतायत विनंती असेल शिरवली संघाला 3 षटकांसाठी पहिल्या 15 मिनिटांचा वेळ आहे आणि 4 षटकांसाठी 20 मिनिटांचा वेळ असेल याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे आज देखील रेग्युलरचे 10 संघ आहेत यापुढील सामना असेल क्रिशा 11 ब्राह्मण करवले आणि पाली या दोन संघांमध्ये दोन्ही संघाच्या संघटनेकांना विनंती असेल टॉस साठी आपण रिपोर्टिंग करायचं आहे इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस केला जाईल सोनू बांगर देखील सामन्याचा आनंद घेत आहेत 22 तारखेपासून आयपीएल सुरू होणार आहे आणि आरसीबीचे ते कट्टर फॅन आहेत या वर्षी देखील आरसीबी जिंकेल का हा देखील प्रश्नचिन्ह आहे सोनू बांगर क्या बात है क्या बात है शॉर्ट अप गुडलेनचा वापर केला होता प्रचंड वेग आपण पाहिला या चेंडू वरती आणि फर्स्ट बाउंसरचा इशारा येतोय 1/4 दी ओव्हरचा इशारा येतोय भूषण पाटील आहेत नवीन गोलंदाज विष्णुदादा पाटील यांचा संघ इन ऍक्शन मध्ये आहे जे शिरवली गावचे उद्योजक समाजसेवक आणि पुरस्कर्ते आहेत शिरवली या टीमचे या वेळेस क्या बात है दिल स्कूप लॅप स्ट्रोक चेंडू जातोय फाइन लेग च्या दिशेने आउटफील फास्ट आहे आणि तेवढेच चांगले क्षेत्ररक्षण मिळतील या चेंडूवरती राज पाटील होते अप्रतिम क्षेत्ररक्षण दोन धावा नक्कीच वाचवल्यात आपल्या संघासाठी राज पाटीलने धावसंख्या दोन्ही पुढे जाईल 15 शिरवली संघ इन ऍक्शन मध्ये आहे त्यांच्या समोर कुंभारली संघ आपण पाहतोय भानुदास साळवी ही इन ऍक्शन मध्ये आहेत पुन्हा एकदा चांगला स्ट्रोक खेळलेत एक धाव झाली पूर्ण आणि दुसरी धाव पूर्ण होईल का परंतु अप्रतिम क्षेत्ररक्षण डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक होते तेजस क्या बात आहे चांगलं क्षेत्ररक्षण धावसंख्या एकने पुढे जाईल 16 धावा धावफलकावरती आजची रात्र देखील प्रेक्षकांसाठी पर्वणी असेल काल देखील आपण सामने पाहिले शेवटच्या क्षणापर्यंत शेवटच्या षटकापर्यंत सर्व सामने रंगले आणि आज देखील 10 मातब्बर संघांचा सहभाग या स्पर्धेमध्ये आहे रेग्युलरचे हे 10 संघ आपण पाहतोय ऑन साइडला फटका चांगला क्षेत्ररक्षक आहेत प्रयत्न खूप चांगले केले होते रेवनाथ वाईले यांनी लॉन्ग ऑन सीमा रेषेवरती 100% एफर्ट 100% प्रयत्न केले होते आणि प्रयत्नांना मिळते यश मिळतील या चेंडूवरती 2 धावा आणि पुन्हा एकदा 2 धाव वाचवलेत या चेंडू वरती धावसंख्या दोन्ही पुढे जाईल 18 धावा धावफलकावरती आहेत आमच्या सोबत अक्षय पाटील आहेत कालपासून खूप चांगलं सहकार्य त्यांच्या सुवर्ण अक्षरामध्ये हे स्कोर कार्ड भरलं जात आहे आणि तंतोतंत माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत
स्ट्रेट डाउन दी ग्राउंड क्षेत्ररक्षक आहेत लॉन्ग ऑफला सुरेख झेल टिपलाय लॉन्ग ऑफ सीमा रेषेवरती सौरभ पाटील ने फलंदाज झाल्याबाद लागतोय हा पहिला धक्का ओमकार तवले बैक टू द पवेलियन सूचकता कारण की आईपीएल देखी सुरू होना है 22 मार्च पासून परंतु नक्कीच पाहिलं गेलं तर पहिल्या 15 दिवसांचा शेड्यूल आलाय कदाचित जर निवडणुका लागल्या तर आईपीएल दुबईला शिफ्ट होणार आहे 15 ते 20 दिवसांसाठी त्यामुळे पहिल्या 15 दिवसांचा फक्त शेड्यूल आलेला आहे 22 मार्च ते 7 एप्रिल पर्यंतचा या 20 चांगला चेंडू आहे मोठी फटके मारण्यापासून वंचित ठेवलाय या षटकामध्ये भूषण पाटील ने चांगली गोलंदाजी केली आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 19 अवघ्या 6 धावेंचं षटक फेकलंय गोलंदाज भूषण पाटील ने टीवी स्क्रीन वरती आपण पाहू शकाल या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक आदरणीय साईनाथ दादा पाटील त्यांच्या समवेत एक दानशूर व्यक्तिमत्व ज्यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द सीरीजची टू व्हीलर बाईक आणि एसपी ग्रुप चषकामधील तिसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक लाभलंय आदरणीय आपण पाहू शकाल शेवल दादा साळवी साहेब उपस्थित आहेत आणि त्यांच्या समवेत लालचंद्र पावशी साहेब देखील उपस्थित आहेत या सर्वांचं आपण करूया स्वागत या स्पर्धेमध्ये शेवलदादा साळवी यांचं मनापासून आभार मानतो एक दानशूर व्यक्तिमत्व आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून एसपी ग्रुप चषक या स्पर्धेसाठी मॅन ऑफ द सिरीज साठी टू व्हीलर बाईक आम्हाला लाभली आणि या स्पर्धेमधील तिसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक आम्हाला लाभलेलं आहे निवृत्ती पाटील येत आहेत नवीन गोलंदाज धावसंख्या आपण पाहू शकाल 19 आहे निखिल भोईर आणि आतिश दाबणे ही जोडी मैदानावरती आहे यापुढील सामना पाली आणि क्रिशा 11 ब्राह्मण करवले या दोन संघांमध्ये असेल दोन्ही संघाच्या संघटनेकडून विनंती आहे टॉससाठी आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती यायचं आहे क्या बात आहे चांगली गोलंदाजी शॉर्ट ऑफ गुडलेनचा वापर केला होता अतिरिक्त बाउन्स मिळालं राइजिंग एंड सरप्राइजिंग डिलिव्हरी पूर्णपणे सरप्राइज केलं या चेंडूवरती फलंदाज निखिल भोईरला निखिल भोईर थोडासा संघर्ष करतोय या सामन्यामध्ये फुल टॉस चेंडू आहे ऑनसाइडला फ्लिक केलंय डीप मधून फिल्डर येतील मिडविकेटला क्षेत्ररक्षक आहेत रेवनाथ या रेवनाथने चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं होतं या आधीच्या षटकामध्ये धावसंख्या आहे 20 राइट अमोर द विकेट या 20 फटका चांगला आहे क्षेत्ररक्षक आहे शॉर्ट कव्हरला चांगले क्षेत्ररक्षण मिळते फक्त एकच धाव या चेंडूवरती शिरवली संघाचं कौतुक करेन शिरवली संघाने या सामन्यावरती मजबूत पकड निर्माण केली आहे वर्चस्व निर्माण केलंय अपकमिंग टॅलेंट आपण पाहू शकाल यंग जनरेशन सर्व युवा खेळाडू आहेत शिरवली या संघामध्ये विष्णू पाटील यांचं देखील मी कौतुक करेन स्विच इट आठवण करून दिले केविन पीटरसनची आणि चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार
25 एक चेंडू शिल्लक या षटकातील, चार षटकांचा सामना आहे, आज देखील 10 संघ आहेत। राकेश पाटील यांचं मी कौतुक करेन, फार मोठी जिम्मेदारी आहे। स्वीचिट क्षेत्ररक्षक आहेत आणि झेल झालाय ड्रॉप आणि आई थिंक षटकार देखील येतोय फलंदाज निखिलच्या बॅट मधून। आणि तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 31-31। शिरवली या संघाला तिसऱ्या षटकातील शेवटच्या दोन चेंडूंमध्ये 10 धाव बनवल्या, धावसंख्या आहे 31 धावा 31। अंतिम षटक नवीन गोलंदाज येतोय या अंतिम षटकामध्ये, आदित्य मडवी येत आहेत। स्ट्राइक इनला फलंदाज आतिश आहे, आतिश आणि निखिलने चांगली पार्टनरशिप बनवली आहे, कारण की चार षटकांचा सामना आहे, माहिती आहे चार षटकांमध्ये एक फाइटिंग टोटल उभी करावी लागेल, सन्मानजनक धावसंख्या बनवावी लागेल आणि त्या धावसंख्येच्या दिशेने वाटचाल केली आहे कुंभारली या संघाने। गोलंदाज आदित्य मडवी या अंतिम षटकामध्ये, स्ट्राइक इनला फलंदाज आतिश दाभणे आहेत। फिरकी आक्रमण आहे, टप्पा पडल्यांचा चेंडू आतमध्ये येतोय, परंतु पंचांचा इशारा व्हाइट बॉल आहे, यस बाहेरच्या बाजूने वळण घेतलं होतं आणि धावसंख्या आपण पाहू शकाल 32 32 धावा धावफलकावरती आहेत। षटक क्रमांक हे शेवटचं सुरू आहे, ज्याला क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये स्लोगोरचं षटक म्हटलं होतं आणि या स्लोगोरच्या षटकामध्ये चांगली फलंदाजी करावी लागेल कुंभारली या संघाला। दोन्ही संघ मलंगडचे आहेत, एकमेकांना एकमेकांची डावपेस माहिती आहेत। यावेळी ऑन साइडला फटका फसलाय, क्षेत्ररक्षक आहे, डाऊन दी बॉल टिपलाय झेल आणि समाप्त होतोय फलंदाज आतिशचा खेळ लागतोय, हा दुसरा धक्का कुंभारली या संघाला। मच
न्यू बॅट्समन आहे सॅम ठाकरे येत आहेत. चौथ्या क्रमांकावरती सलामीचे दोन्ही फलंदाज बाद झालेत. 32 धावा धावफलकावरती आहेत आदित्य मडवी. गोलंदाज आहेत आणि आदित्य मडवीने विकेट मिळवली आहे. फिरकी आक्रमण आहे इन टू दी स्लॉट अँड आउट ऑफ दी प्लॉट. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. सहानी पुढे जाईल 38 38 धावा धावफलकावरती. सॅमने पहिल्या चेंडूवरती षटकार लगावलाय. सुरुवात थोडीशी खराब झाली होती परंतु त्यानंतर निखिल भोईरने एक षटकार एक चौकार लगावला आणि आता सॅम ठाकरेने देखील एक षटकार लगावलाय. धावसंख्या आहे 38. अजूनही या षटकातील चार चेंडू शिल्लक आहेत. अंतिम षटक सुरू आहे आणि अंतिम षटकामध्ये चांगली बॅटिंग सॅम करतोय. सॅम ठाकरे स्ट्राइक इनला परफेक्ट यॉर्कर हा चेंडू आहे आणि आलाय हा डॉट बॉल. फिरकी पट्टू हा गोलंदाज आहे आदित्य मडवी आणि येतो हा डॉट बॉल. धावसंख्या 38 38 धावा. लेफ्ट ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा बॅटची काढा आणि सेकंड अटेम्प्ट मध्ये हा झेल पकडलाय. फलंदाज झालाय बाद सॅम ठाकरे. बॅक टू द पवेलियन. दोन चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत आणि भानुदास साळवे येत आहेत फलंदाजी करण्यासाठी. कुंभारली या टीमची ओळख. भानुदास साळवी ज्यांच्या नावाने हा संघ ओळखला जातो. सुप्रसिद्ध उद्योजक देखील आहेत, समाजसेवक आहेत. अविनाश दादा साळवी यांचे छोटे बंधू भानुदास साळवी येत आहेत बॅटिंग करण्यासाठी आणि दोन चेंडू शिल्लक आहेत. दोन चेंडू शिल्लक या शेवटच्या षटकामधील. सुरेख कमबॅक केले गोलंदाज आदित्यने षटकारानंतर. क्या बात आहे, बॅकफुटला जाऊन बॅकफुट पंच करतायत आणि मिळते फक्त एकच धावे चेंडूवरती. धावसंख्या 39 39 धावा आणि आता मात्र शेवटच्या षटकामधील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. यापुढील सामना असेल क्रिशा 11 ब्राह्मण करवले राहुल पाटील यांचा संघ. जागृती स्पोर्ट्सचे ते सर्वे सर्व आहेत राहुलभाई पाटील ब्राह्मण करवले आणि त्यांना फाईट करेल पाली. या दोन संघांमध्ये यापुढील सामना असेल. अंतिम चेंडू शिल्लक आहे या शेवटच्या षटकामधील. क्या बात आहे, चांगला चेंडू आहे आलाय हा डॉट बॉल आणि चार षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 39 आणि 40 धावांचं टार्गेट सेट केलंय कुंभारली या संघाने शिरवली या संघासमोर. अच्छा, 40 धावांचं लक्ष्य आहे आणि दोन्ही संघांना एक सूचना असेल शिरवली आणि कुंभारली. पहिला सामना जो संघ जिंकेल त्या संघाला बाय आहे. तो संघ थेट तिसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश करेल. या पुढील सामना आहे क्रिशा 11 ब्राह्मण करवले आणि त्यांना फाईट करेल पाली. दोन्ही संघाच्या संघटनेकांना विनंती असेल टॉस आडी या बन. चाळीस धावांचं टार्गेट सेट केलेलं आहे शिरवली या संघासमोर. 10.00 सरासरीने या धावा बनवावे लागतील हा सामना जिंकण्यासाठी आणि या 40 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल याचं धावतं वर्णन ऐकूया आपण. मायक्रोफोन वरती इन्व्हाइट करतोय आमचे साथी समालोचक व्हॉइस ऑफ अंबरनाथ व्हॉइस ऑफ पालेगाव आमचे अत्यंत जवळचे मित्र सोनू बांगर यांचा आवाज.
खूप चांगलं नक्कीच संगीत अर्थातच आपण पाहिलं शिव तांडव स्ट्रोम आपल्याला ऐकायला मिळाले डीजे मास्टर गणेशच्या माध्यमातून। तो थैंक यू सो मच रोशन संते, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते मैदान के ऊपर दोस्तों, फिर से एक बार मैं सोनू बांगर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप प्रतियोगिता एंजॉय कर रहे हैं, एसपी ग्रुप ट्रॉफी 2024 का पर्व, और ये शानदार रात्रि आप देख सकते हैं, शानदार मुकाबले, फोर्टीप्लेक्स के मुकाबले आप खत्म हो चुके हैं दोस्तों, रेगुलर क्रिकेट को आप शुरुआत हो चुकी है, और रेगुलर क्रिकेट का पहला मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर। एक तरफ पहले बल्लेबाजी की गाउदीपी कुंभारले टीम ने, और बल्लेबाजी करते हुए 40 रन बनाए, अब 41 का टारगेट लेकर सलामी 39 यानी कि, और उसके बाद में पोर्डिंग का टारगेट होगा, और यहां से वो 40 रन का टारगेट लेकर मैदान के अंदर पहुंची टीम की सलामी जोड़ी, गाउदीपी शिरोवली टीम की आप सलामी जोड़ी देख सकते हैं। सलामी बल्लेबाज हार्ड हिटर बल्लेबाज जाने जाते तेजेश और उनका साथ देने रेवनाथ रेवनाथ और तेजेश सलामी बल्लेबाज ओपनिंग ब्लास्टर मैदान के अंदर आप देख सकते हो, और पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए कुंभारली टीम की ओर से ओमकार तवले, दोनों टीम के लिए शुभकामनाएं हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से। चलते हैं मैदान के अंदर, मुकाबले को हो रहा है आगाज, और फिर से एक बार सभी का स्वागत। ये बड़ा मुकाबला है, बड़ी प्रतियोगिता दोस्तों, बिल्कुल साईनाथ पाटिल फाउंडेशन जो कि हमारे आयोजन करता है, साईनाथ दादा पाटिल रवि दादा पाटिल भी होंगे, और मंच पे यहाँ पर ये मुकाबले को एंजॉय करते हुए सभी मान्यवर का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मुकाबले को आगाज, पहली गेंद लेट्स प्ले, पहली गेंद यॉर्कर का प्रयास था ऑन साइड में कहते हुए, शॉर्ट मिड ऑन में खिलाड़ी मौजूद और सिंगल आती भी, पहले गेंद के ऊपर खुद का खाता ओपन किया बल्लेबाज रेवनत माइले ने, और टीम का भी निजी खाता ओपन करते हुए एक रन की मदद से, और अब स्ट्राइक आते भी तेजेश मडबी के पास, तेजेश मडबी जो कि शानदार गेंदबाजी करते उतनी अच्छी बल्लेबाजी भी हमेशा अपनी टीम के लिए की है। हाँ डिटर मिक ने मैंने क्यों कहा कि बिल्कुल कम गेंदों में वो ज्यादा रन अपनी टीम के लिए जरूर बनाते हैं, अब ओपनिंग के लिए आए कैसे बल्लेबाजी करेंगे, गेंदबाज तैयार। और ये फुल टॉस गेंद, देखिए मैंने पहले ही कहा था ये खिलाड़ी काफी तेज है, और पहली गेंद को भेजा सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, ये पहला धमाका तेजेश मडबी के बल्ले से सीधा 6 रन। बन चुके 7 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। तो हमारे मित्र श्याम मडबी, उसके बाद में प्रवीण वारिंगे जो कि हमारे मामा है, और सिरोली टीम को शुभकामना दे रहे, और यहां पर मौजूद भी आइए मंच के ऊपर, आपका भी हम स्वागत करते हैं। चलते हैं मैदान के अंदर, छक्का लगाते हुए बल्लेबाज तेजेश मडबी, गेंद वापस एक बार ओमकार तवले, और ये शॉट भी अच्छा है, इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया है, खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए, गेंद दन दन करती भी निकल चुकी है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, और एक शानदार स्ट्रोक 4 रन। काफी तेज है और हार्ड हिटर बल्लेबाज है, हमेशा कम गेंदों में अपनी टीम के लिए जानदार रन बनाते, और वही यहां पर आप दिखाते हुए बल्लेबाज तेजेश मडबी, पहले गेंद के ऊपर छक्का, दूसरे गेंद के ऊपर आया चौका, टोटल 10 रन बने तेजेश के बल्ले से, और रन संख्या पहुंची 11 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। हर एक ओवर की बात करेंगे तो अक्षय 10.0 की औसत बरकरार रखने, मुकाबला जीतने के लिए गाउदीपी शिरोवली टीम को 40 रन का पीछा कर रही है, अब तक 3 गेंद हो चुकी है और रन संख्या 11 के ऊपर पहुंची। ये पापा पे का ओवर शुरू है, दो खिलाड़ी आप तीस गज घेरे के बाहर देख सकते हैं, एक खिलाड़ी मिड विकेट एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ में खड़ा है, और यहां से पूरी तरह से फायदा उठाने का उठाने की कोशिश कर रहे बल्लेबाज तेजेश मडबी। ओमकार तैयार, ये अच्छी गेंद है, बिल्कुल गुडलिन स्पॉट के ऊपर पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती भी, और काफी तेजी से आई गेंद, बल्लेबाज को बीट किया, डॉट गेंद की समाप्ति। अपने ओवर में बिल्कुल थोड़े से महंगे साबित होते हुए ओमकार तवले, और अब वापसी करने की कोशिश में बल्ले गेंदबाज ओमकार तवले। चलिए अगला मुकाबला होगा, टॉस के लिए आपको आना है, कृषा 11 जागृति स्पोर्ट ब्राह्मण करवले, और उनको फाइट देगी इस मुकाबले में पाली जो कि नरेश की टीम होगी। आपको आना है टॉस के लिए, गेंदबाज तैयार फिर से एक बार ओमकार तवले,
ये देखिए अब सोनपदक आ चुके हैं मैदान के अंदर। ये कहीं से भी आते हैं, आप कितने भी रैलिंग लगाइए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन हर मुकाबले में हर प्रतियोगिता में ये आते जरूर है। इनका और क्रिकेट का गहरा संबंध है अक्षय। तो चलते हैं मैदान के अंदर फिर से एक बार, ओमकार तैयार, राउंड द विकेट, अगली गेंद। और इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश, और यहां से अंपायर की उंगली आसमान में, LBW यानी कि बल्लेबाज तेजस मड़वी मैदान से बाहर। ना रहे थे तो आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश क्यों की, और यहां पर आप अपनी विकेट खो चुके तेजस मड़वी, खुद के पर नाराज होते हुए जानते अपनी खुद की विकेट की कीमत, और यहां से आप तेजस बैक टू द डगआउट। ये बड़ा झटका है और ये बड़ी सफलता। अब ओमकार तवले की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, क्योंकि दो गेंदे उन्होंने बिल्कुल खराब पे की, यानी कि जिसके ऊपर छक्का है एक चौका आया, उसके बाद में आप कमबैक देख सकते हैं। चौथी गेंद डॉट और पांचवी गेंद के ऊपर ये बड़ी सफलता उन्होंने अर्जित की, आखिरी मोमेंट पे कमबैक करते हुए अपनी टीम के लिए। ओमकार तवले नए बल्लेबाज, तीसरे नंबर पे बल्लेबाज के लिए उल्लास मड़वी। उबर की आखिरी गेंद, रन संख्या रुकी भी 11 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर टीम गांवदेवी शिरवली। तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा फास्ट खेलना है गांवदेवी कुंभारली टीम। तो आखिरी गेंद गेंदबाज तैयार, ओमकार तवले स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज होंगे उल्लास मड़वी। ओ ये पहली गेंद के ऊपर बिल्कुल विकेट आती भी, यानी कि प्ले डाउन होते हुए और उल्लास मड़वी भी जीरो पे आउट। पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या गांवदेवी शिरवली टीम 40 का पीछा करते हुए 11 रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर। फलंदाजी करणार नक्की, सामने देखील सुरू आहे। चार षटकांच्या सामन्यामध्ये बॅटिंग स्वीकारली आहे, ती म्हणजे पाली संघाने, आणि इन्व्हाइट केले क्रिशा 11 ब्राह्मण करवले या संघाला क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी। राहुलभाई पाटील यांना विनंती असेल, दादा आपण या व्यासपीठावरती जागृती स्पोर्टचे ते सर्वे सर्व आहेत, आणि त्यांना विनंती असेल आपण या व्यासपीठावरती आपलं SP ग्रुप चषकामध्ये मनपूर्वकाने हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। ऑटो कॉम्बॉक्स सोनू बांगर। थैंक यू सो मच। ना बैक टू क्रिकेट, चलते चलते दोस्तों मैदान के अंदर दो विकेटें आ चुकी है। पहला ओवर शुरुआत खराब हुई थी अक्षय इस ओवर की, तीन गेंदों में 11 रन आए थे, लेकिन पिछले तीन गेंद आप देख सकते हैं बिल्कुल एक भी रन आया, और यानी कि दो विकेटें भी चटकाई है। अच्छा कमबैक दिलाते हुए ओमकार तवले अपनी टीम के लिए अब समीकरण बचा हुआ है जीत के लिए मैदान के अंदर। 18 गेंदों का खेल बाकी और यहां से बनाने 29 रन। चलिए भक्त ज्यादा ले रहे हैं आप गांवदेवी कुंभारली टीम, आपको थोड़ा सा फास्ट खेलना है भक्ति ऊपर आप गौर कीजिए। अब नए गेंदबाज आ चुके पावर पे समाप्त होने के बाद, आतिश आतिश दाबने और नए खिलाड़ी भूषण आते हुए, भूषण पाटिल हार्ड हिटर बल्लेबाज ये भी है, बड़े हॉट शॉट लगाते हैं हमेशा अपनी टीम के लिए। और अब तक जो कि सलामी बल्लेबाज रेवना तमाइले थोड़े से शांत दिखाई दे रही है। 18 गेंदे 29 की आवश्यकता, पीछे खोलने की कोशिश की, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है, डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छी कमबैक करते हुए अपनी टीम के लिए बिल्कुल कुंभारली टीम आप देख सकते हैं इस मुकाबले में अच्छा कमबैक करते हुए, और यहां से अब 17 गेंदे और 29 की आवश्यकता। शुरुआत बहुत ही अच्छी होती है बिल्कुल तेजस मड़वी के बल्ले से,
लेकिन रिवर्स खेलने की कोशिश में वो एलबीडब्ल्यू के माध्यम से आउट करार घोषित दिए गए और यहां से अब विकेटों का सिलसिला शुरू और लगातार डॉट गेंदे, ये लेट कैट खेलने की कोशिश और इस बार अंपायर की तरफ जोरदार अपील करते हुए अंपायर रमेश मात्रे बताते हुए वाइट गेंद आउटसाइड ऑप्शन, ये गेंद जाती भी और अंपायर ने वाइट करार घोषित किया इस गेंद को। टोटल रन संख्या पहुंची 12 के ऊपर, अब गेंदे बची इस मुकाबले में आप देख सकते हैं 17 और यहां से 28 की आवश्यकता। यह मुकाबला अच्छा है और ये मुकाबला बैलेंस भी हो चुका है अक्षय, मजा आ गया इस मुकाबले में। ऑन साइड में खेलते हुए बैकफुट पे उतर गए, मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद, एक रन यहां से कंप्लीट, दूसरे की कोशिश और यहां पर क्या विकेट हो सकती है और यहां से दो रन कंप्लीट होते हुए अंपायर बताते हुए काफी तेजी से रन लिया, अच्छी विकेटों के ऊपर दौड़ रेवनाथ माइले के माध्यम से और भूषण के माध्यम से और रन संख्या 2 की मदद से पहुंची इस बार 14 के ऊपर। अब भी 26 की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए, जैसे तेजस मडबी आउट हुए ना वैसे बिल्कुल रन संख्या रुकी भी, आप देख सकते हैं रन नहीं आ रहे सिंगल डबल के माध्यम से। सुस्वागतम 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 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तालुका अध्यक्ष आदरणीय नकुल पावशे साहेबांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांचं मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे एसपी ग्रुप चषकामध्ये। तो गेंदबाज तैयार फिर से एक बार आतिश, ऊपर दो विकेट से अगली गेंद स्ट्राइकर पे बल्लेबाज रेवनाथ माइले, ये उठाने की कोशिश मिस टाइमिंग होती भी, जब तक खिलाड़ी पहुंचेंगे एक्स्ट्रा कवर की दिशा से तब तक दूसरे की कोशिश और यहां से फिर से एक बार दो रन कंप्लीट करते हुए सिंगल डबल के माध्यम से रन को यहां पर बढ़ोतरी देते हुए बल्लेबाज रेवनाथ माइले और टोटल रन संख्या 16 के ऊपर पहुंचते हुए। अब गेंदे बची इस मुकाबले की बात करेंगे तो 15 गेंदे और 24 की आवश्यकता, मुकाबला अभी बैलेंस, अभी यहां पर देख सकते बड़े हिट नहीं आ रहे और अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है आतिश के माध्यम से। ओवर द विकेट अगली गेंद, ओ इस बार पीछे खेलते हुए शॉट कहीं पे लगाना चाहते थे लेकिन गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, 4 रन। तो बिल्कुल ये चौका आता बाहर, रन कहीं से भी आया अक्षय, लेकिन रन आना काफी महत्वपूर्ण है इस मुकाबले में, खास करके बिल्कुल गांवदेवी शिरोली टीम के लिए और इस चौके की मदद से टीम पहुंची 20 के ऊपर। अब यहां से आधा रास्ता तय कर चुकी है बल्लेबाजी करते हुए गांवदेवी शिरोली टीम, अब भी जीत के लिए आधा रास्ता तय करना है यानी कि अब भी जीत के लिए 20 की आवश्यकता। फिर से एक बात है यार आतिश, ओवर द विकेट, ओवर की अगली गेंद शपलों के खेलने की कोशिश की, काफी बाहर गए थे ऑप्शन के और यहां से लेग बाइस का इशारा अंपायर द्वारा, आते भी सिंगल और सिंगल के माध्यम से रन संख्या 21 यानी कि इसके ऊपर। इस ओवर की बात करेंगे तो अक्षय इस ओवर में गेंदे हो चुकी है 5 और थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए आखिरी मोमेंट में गेंदबाज आतिश, यहां से अब 13 गेंदे और जीत के लिए 19 की आवश्यकता। दर्शक भी काफी तादाद में यहां पर आते हुए उन सभी का हम स्वागत करते और आज दूसरा दिन दूसरी रात्रि आप देख सकते हैं एसपी ग्रुप ट्रॉफी 2024, ये उठा दिया इस बार ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी मौजूद और यहां से थर्ड अटेम्प्ट में ये कैच ली गई है और बल्लेबाज के पारी का अंत, विकेट का पतन। से भूषण पाटिल भी आउट हो चुके, ये बड़ा झटका लगता था गांवदेवी सिरवली टीम के लिए और अब यहां से मुकाबले में मजा आएगा दोस्तों क्योंकि अब गेंदे बची है 12 और यहां से समीकरण बचा है 19 की आवश्यकता। यदि आने वाले गेंदबाज अक्षय या इसी प्रकार की गेंदबाजी करते तो लगातार विकेट चटकाते या फिर डॉट गेंदे भी डालते हैं ना तब भी कई जगह मुकाबले में फाइट दे सकती है आखिरी ओवर तक गांवदेवी कुंभारली टीम भी। बड़ा मुकाबला दोस्तों, बड़ी पे ये प्रतियोगिता और आज बड़े खिलाड़ी आप देख सकते हैं इस मैदान के ऊपर खेलते हुए और ये शानदार प्रतियोगिता।
12 गेंदे 19 की आवश्यकता। अब नए बल्लेबाज निवृत्ति पाटिल आ चुके हैं रघुनाथ, अब तक बल्लेबाज ही करते भी अपने टीम के लिए जिन्होंने 9 रन बनाए। और तेजस मड़ी भी आउट हुए, उसके बाद में उल्लास भी 0 पे आउट हुए, अब भूषण पाटिल भी आउट हो चुके हैं। निवृत्ति और रघुनाथ वाइले ये जोड़ी आप देख सकते हैं आप मैदान के अंदर। 12 गेंदे 19 की आवश्यकता, गेंदबाज तीसरा ओवर निखिल। निखिल गेंदबाज आते भी तीसरा ओवर लेकर, ये बिल्कुल लगभग बिल्कुल रात के 8 बज के हो चुके हैं और काफी ठंड हवाया भारी है, लेकिन ये मुकाबला जरूर गर्म है। रेगुलर क्रिकेट का भी पहला मुकाबला गाउदेवी सिरेवली बनाम गाउदेवी कुंभारली टीम के बीच में, तो थोड़ा सा फास्ट खेलना है आपको, ध्यान देना है, बिल्कुल अंपायर वार्निंग देनी है गाउदेवी कुंभारली टीम को। पहली गेंद इस ओवर की, निखिल तैयार, ये पुल करने की कोशिश, इस बार जोरदार अपील, गुडलिन स्पॉट के ऊपर पड़ने के बाद काफी गेंद उछाल लेती भी और बल्लेबाज को पूरी तरह से चकमा देते हुए डॉट गेंद की समाप्ति। जैसे जैसे डॉट गेंद आएगी, मैंने पहले कहा है, वैसे वैसे इस मुकाबले में मजबूती पाएगी टीम गाउदेवी कुंभारली टीम भी। यहां से 11 गेंदे अब जीत के लिए बनाने 19 की आवश्यकता। बड़े हिट की तलाश में बल्लेबाज रघुनाथ वाइले, कोशिश जारी है, लेकिन क्या होगा इस अगली गेंद के ऊपर, राउंड द विकेट। ओ, ये देख सकते काफी तेज सराह गेंद, फिर से एक बार बल्लेबाज को बीट किया और एक शानदार डिलीवरी और ये दूसरी लगातार डॉट बॉल। स्पीड आप देख सकते काफी तेजी से गेंद यहां पर आते भी पिच के ऊपर पड़ने के बाद, खास करके यॉर्कर का प्रयास करना चाहते हैं गेंदबाज निखिल और यहां से सफल भी होते हुए। अब 10 गेंदे 19 की आवश्यकता, डगआउट पे पूरी तरह से नाराजगी आप देख सकते हैं, गाउदेवी सिरेवली टीम के सभी खिलाड़ी नाराज होते हुए क्योंकि रन नहीं आ रहे, बड़े की तलाश है। ये पॉइंट की तरफ खेलते हुए स्वीपर कवर में खिलाड़ी मौजूद, एक रन कंप्लीट और सिंगल से यहां पर टोटल आगे बढ़ते हुए टोटल पहुंची है 22 के ऊपर। आप गेंदे इस ओवर की बात करेंगे तो 3 गेंदे बची है, यानी कि टोटल 8 गेंदे, 9 गेंदे और 18 की आवश्यकता। ये मुकाबला आखिरी ओवर तक जा सकता है ऐसा कहे बिल्कुल कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे इस ओवर में निखिल। अब स्ट्राइक पे बल्लेबाज निवृत्ति पाटिल, इस बार भी अच्छी गेंद, इस बार भी बल्लेबाज को बीट किया, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल ये मुकाबला अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे गेंदबाज निखिल और लगातार डॉट गेंदे आ रही है। अब 8 गेंदे और जीत के लिए 18 की आवश्यकता। तैयार होते हुए गेंदबाज निखिल, फिर से राउंड द विकेट, ये शॉट अच्छा, इस बार खिलाड़ी मौजूद और ये बढ़िया कैच, विकेट का पतन, निवृत्ति पाटिल भी मैदान से बाहर और एक गेंद डॉट और अब यहां से समीकरण कठिन होता बा गाउदेवी सिरेवली टीम के लिए। 7 गेंदे 18 की आवश्यकता, डीजे तो यहां से निवृत्ति पाटिल भी आउट हो चुके, लगातार विकेटों का सिलसिला मैदान के अंदर। और इस ओवर में मैं सराहना करना चाहूंगा, तारीफ करना चाहूंगा इस गेंदबाज निखिल की जिन्होंने अब तक 5 गेंदे पे की है और एक ही रन खर्च किया है और एक विकेट भी चटका दे, शानदार गेंदबाजी, मुकाबले पूरी तरह से यहां पर पलटवार करते हुए 7 गेंदे 18 की आवश्यकता। ये देख सकते हैं आखिरी गेंद भी आती भी डॉट, सफल ओवर की समाप्ति। इस ओवर में निखिल ने एक रन खर्च किया, एक विकेट चटकाई, शानदार गेंदबाजी, अब 6 गेंदे और कंपल्सरी 18 रन की आवश्यकता।
छह गेंदे अठारह की आवश्यकता, लेकिन अब भी मुकाबला खत्म ही नहीं है दोस्तों। छह गेंदे 20 बनते हुए हमने देखे, छह गेंदे 24 बनते हुए हमने देखे, ऐसे कई सारे मुकाबले हमने देखे दोस्तों, क्योंकि क्रिकेट है कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, ऐसा क्रिकेट हमने देखा है दोस्तों। अब भी इस मुकाबले में क्या ये मुकाबला बिल्कुल रफ एंड टेक में देखने को मिलेगा, या फिर ये मुकाबले में पलटवार कर पाएंगे आने वाले बल्लेबाज आर्यन और अब तक जो कि सलामी के आए बल्लेबाज रेवनाथ बाइले, जहां जीत दिला पाएंगे अपनी टीम को। छह गेंदे 18 की आवश्यकता, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और पहलू जिंदगी का इंतकाम होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है जहां में, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। आपको कोशिश करनी है, छह गेंदे 18 की आवश्यकता, यदि पहले दो गेंद के ऊपर बड़ी हिट आती है तब भी वापसी हो सकती है यहां पर गाउद भी सिर्फ टीम की। और यदि इस मुकाबले में पूरी तरह से जीत यहां पर हासिल करनी है तो आपको डॉट गेंदे डालनी है गाउदेवी कुमारी टीम की ओर से। पहली गेंद इस बार लॉब किया, खिलाड़ी मौजूद और ये कैच ड्रॉप होते भी, एक रन कंप्लीट, दूसरे के लिए पलटे और पहली गेंद के ऊपर दो रन कंप्लीट होते भी। कोशिश अच्छी थी, अच्छा अपर्ट यहां पर खिलाड़ी का, लेकिन कैच नहीं ले पाए। अब यहां से पांच गेंदे और 16 की आवश्यकता, पांच गेंदे 16 की आवश्यकता, बड़े हिट अभी भी नहीं आ रहे। तेजेश मडवी जिनके बल्ले से एक चौका छक्का, उसके बाद में एक दूसरे ओवर में चौका, उसके बाद में बड़े हिट नहीं है। फिर से एक बार ऑन साइड में खेलते हुए दूसरे की कोशिश और यहां से गलत थ्रो आता बा, फिर से एक बार दो रन। अब चार गेंदे और 14 की आवश्यकता, चार गेंदे 14 का समीकरण मैदान के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों। ऊपर की अगली गेंद और द विकेट, ये कदमों को इस्तेमाल, शॉट अच्छा है सामने खेलते हुए, खिलाड़ी मौजूद और अच्छी फील्डिंग, एक रन कंप्लीट, फिर से एक बार दो रन। लगातार तीन गेंदे और तीन गेंदों के ऊपर दुक्का आता बा, यानी कि दो रन तीन बार आते हुए छह रन बने। अब तीन गेंदे और 12 की आवश्यकता है, एक हाथ बड़ा हिट आता है तो फिर मजा आ सकता है इस मुकाबले में। तीन गेंदे 12 की आवश्यकता, तो चलिए फास्ट खेलने आपको रेवनाथ, तीन गेंदे 12 की आवश्यकता। इसके बाद में अगला मुकाबला होगा दोस्तों, एक तरफ होगी टीम कृष्णा जागृति स्पोर्ट ब्राह्मण करवले, राहुल भाई पाटिल इनकी टीम होगी एक तरफ और उसे फाइट करेगी इस मुकाबले में पाली नरेश की टीम। तीन गेंदे 12 का समीकरण, सेकंड पे बल्लेबाज सलामी पीर, ओपनिंग ब्लास्टर रेवनाथ वाइले और स्ट्राइक, गेंदबाज तैयार सैम ठाकरे। ये निचले हिस्से में लगती भी, पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक रन यहां से सिर्फ मिलता हुआ। अब दो गेंदे 11 की आवश्यकता, ये मुकाबला लगभग खींच लिया अपने तरफ गांवदीप कुमारली टीम ने, और क्या बल्लेबाज रन आउट होंगे अंपायर बताते हुए। चलिए बल्लेबाज यहां पर क्रॉसिंग की या नहीं यहां पर चेक करते हुए हमारे मनोज पवार सर। तो अक्षय बिल्कुल मैच का रूप आप देख सकते हैं, तीन गेंदे 11 रन थे और आप उसके बाद में चौथी गेंद डॉट, फिर पहले ओवर की पांचवी गेंद के तेजेश मडवी की विकेट, उसके बाद में उल्लास मडवी आउट, यहां से हुआ कमबैक। उसके बाद में आतिश आए, आतिश ने भी बिल्कुल शानदार गेंदबाजी की, एक चौका जरूर आया लेकिन फिर से एक बार उन्होंने भी कमबैक किया। और खास करके टर्निंग पॉइंट ओवर था जो निखिल ने डाला, उस ओवर में सिर्फ एक ही रन आया और एक विकेट भी आई, और यह मुकाबला लगभग थोड़ा सा कठिन होता था बल्लेबाजी करते हुए गाउदेवी शिरोमणी टीम को। चलिए क्रॉसिंग यहां पर हो चुकी अंपायर, तो बल्लेबाज आउट होते हुए अब दो गेंदे 11 की आवश्यकता, चलते गणेश के पास। यहां से दो गेंदे 11 की आवश्यकता, अब भी यहां पर मौका है, मौके के ऊपर क्या चौका या छक्का लगा पाएंगे।
बड़ी हिट नहीं है, फिर से एक बार ऑन साइड में खिलाड़ी मौजूद, एक रन कंप्लीट और यहां से यह मुकाबला अब पूरी तरह से जीत की दरपान पे होते हुए कुगाउद भी कुंभानी टीम एक गेंद 10 की आवश्यकता, लगभग के मुकाबला अब जीत चुकी है गाउद भी कुंभानी टीम और यहां से इस प्रतियोगिता से लगभग बाहर होती भी गाउद भी सिरवली टीम। तो आखिरी गेंद के ऊपर विकेट, मुकाबला फिनिश और मुकाबला जीता गाउद भी कुंभानी टीम ने, कांग्रेचुलेशन। चलिए अगला मुकाबला, जल्द से जल्द आपको जाना है मैदान के अंदर, फील्ड सजानी है। नरेश ठाकरे की टीम होगी पाली टीम। तो ये मुकाबला फिनिश, मुकाबले में मैन ऑफ द मैच जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 11 रन अपनी टीम के लिए बनाए, गेंदबाजी करते हुए एक ओवर फेंका और एक विकेट चटकाए और सिर्फ एक ही रन खर्च किया और निखिल बने इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के हकदार। डीजे